आरटीसी ट्रांजिट पास, तो आप लोग यहाँ से कार्ड निकाल रहे हैं। तो हमने लिया है 24 आवर्स वाला, सो ये है 24 आवर्स एक्सेस। तो ये पर हेड $8 पड़ता था, हमने लिया है तो $16 हमको काउंट हुआ। अगर आप चाहो तो आप 2 घंटे का भी ले सकते हो, और नहीं तो $20 का 3 दिन का सीधा, अगर आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करना है तो। बट हमें, हम लोगों को आज, हम लोग फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट जा रहे हैं तो हमें वहाँ के लिए कुछ चाहिए ही था, तो हम लोग बस से जा रहे हैं। और ये हर बंदावट में होता है ना बसेस, तो काफ़ी कन्वीनियंट है, तो अच्छा है। मतलब ऊबर ऊबर से बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आई थिंक ये सबसे कन्वीनियंट होता है। तो ये स्ट्रिप से वहाँ पहुँच जाएंगे सीधा। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, बस जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएंगे। एंड आप चाहो तो ये जो पास है वो यहाँ मशीन से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, और बाकी बस में, बस बोर्ड करने के बाद भी ले सकते हो, है ना। तो कहीं कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। सो इस साइड पे यहाँ चल रहा है बलाजियो वाला शो, फाउंटेन शो, और यहाँ पे चल रहा है मिराज का। चलो आ गई बस, अपनी फोटो खींचो, लेट्स गो इन। सो दिस इज द बस। अच्छा रात में ये लोग गंडोला पे लाइट लगा देते हैं। लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें भी हैं, खाने का रेस्टोरेंट है, और ये है कन्वेंशन सेंटर। सो दिस इज द डाउन टाउन एरिया एंड इट स्टार्ट फ्रॉम गोल्डन नगेट। Bolega ki raat ho gayi hai, bahar ki raat hai।
Yeah.
बहुत ही सुंदर है एंड ड्रेस इज सो नाइस ब्यूटिफुल सम ब्राइड फंक्शन सॉरी सम मैरिज फंक्शन इज गोइंग ऑन हियर वाओ सम मैरिज इज गोइंग ऑन हियर सब लोग आए हुए हैं ये सब लोग अभी बजा रहे थे गाइस यहाँ वेगस आके प्रियांक हो गए हैं बीमार और अब हम लोगों ने थोड़ा ठंडा खा लिया था आइस के कारण मे भी हो सकता है गला ख़राब हो गया एंड उसके कारण मे भी फीवर आ गया है सो ही इज़ इन होटल रूम और मैं अभी वॉलग्रीन से कुछ सामान लेने आई थी मतलब दवाई लेने आई थी तो दवाई तो ले ली और मैंने सोचा कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है थोड़ा दूर है हमारे होटल से बट वहाँ से मैं चाय ले लेती हूँ तो थोड़ा सा मसाला चाय टाइप की मिल जाएगी ना तो अच्छा रहेगा थोड़ा काढ़ा टाइप का फीलिंग आएगा और गले को थोड़ा अच्छा है सो या मैं चाय लेती हूँ यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे विनेशियन और मुझे इसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि होटल बहुत बड़ा है एंड कंफ्यूजिंग भी था क्योंकि हम लोग एक ही बार आए और कहाँ से आए थे क्या था वो मुझे याद भी नहीं था सो यहाँ से मैंने ली है चाय एंड दो चाय एंड एक बिरयानी
सो आज हम लोग डिनर में बिरयानी खाने वाले हैं। सो बिरयानी तो जल्दी मिल गई थी, बस चाय बनने में टाइम लगा। सो हियर इज द टी एंड अब चलते हैं चाय प्रियंक के पास। हियर इज प्रियंक, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी बढ़िया लग रहा है, फीलिंग बेटर। ओके, बहुत दवाई में लिखी।